सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, आप सभी का अनेक महत्वपूर्ण बिंदु उठाने के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब एक साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं,
कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है, हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट ट्रैक और ट्रीट इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है, जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटीपीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे Tier 2 और Tier 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे, लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ड मैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रेवल के लिए खुल चुका है, विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवल की, उसके कॉन्टैक्ट के ट्रेवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन भी का भी एक प्रश्न है। आपके राज्यों में आपको वायरस के वेरिएंट का पता चलता रहे इसके लिए भी जीनोम सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।